नगर पालिका परिषद पोआना से अध्यक्ष पद हेतु सपा समर्थित प्रत्याशी गोपाल अग्निहोत्री एडवोकेट के साथ समर्थन में पूर्व एमएलसी जयेश प्रसाद ने एक सभा का आयोजन किया, जिसमें अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अनेक उच्च पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें गोपाल अग्निहोत्री को भारी बहुमत से विजय बनाने की आम जनता से अपील की। इस अवसर पर निर्दलीय प्रत्याशी गंगाराम मिश्रा ने गोपाल अग्निहोत्री को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ एसीटी न्यूज शाहजहांपुर। एक नौजवान युवा साथी समाजवादी पार्टी का अच्छा सिपाही पोआना से चुनाव लड़ रहा है। गंगाराम मिश्रा जी ने एक बहुत बड़ा त्याग करके चुनाव छोड़ के उनका समर्थन किया है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। पोआना के विकास के लिए हमें ऐसा ही प्रत्याशी चाहिए जो नया हो, युवा हो और पोआना के विकास की सोच रखे। देख रहे हैं आप सब मौजूद हैं, यहाँ पोआना का हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर नौजवान ये चाहता है कि बदलाव आए। भाजपा के झूठ से त्रस्त हो चुका है। जीती जागती मिसाल गंगाराम मिश्रा जी जैसे व्यक्ति हैं जिनने 35 साल पार्टी की सेवा करी और हाथ में कुछ नहीं लगा। अब आदमी ये चाहता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने। 2024 में आप व्यापक बदलाव देखेंगे, समय आने दीजिए, ये शुरुआत है अभी। नगर पालिका प्रशासन का विकास नहीं होगा। जितने भी लोग यहाँ खड़े हुए हैं उससे ज्यादा घर पोआना में नहीं है। आपसे अनुरोध है कि जो बीड़ा हमने उठाया है अपने ब्राह्मण समाज के सम्मान के लिए, आप लोग आज से ही अभी से एक एक घर में घुस जाइए और 11 तारीख तक जब तक कोर्ट में पड़ जाए तब तक वहां से नहीं निकलना है। ब्राह्मण सम्मान का भूखा होता है, पैरों से कमजोर होता है, जो बड़ा हो उसके पैरों में लेट जाइए और ये कह दीजिए कि एक मौका गोपाल को दीजिए, एक मौका। और ये जो आरोप लगा रहे हैं, जो लोग चर्चा कर रहे हैं कि ब्राह्मण चेयरमैन पोआना में कभी नहीं हो सकता है, एक मौका गोपाल को। आज हमारे साथ ताकतें, कई ताकतें हैं, हमारे साथ ब्राह्मण ही नहीं है, मेरे साथ पिछड़े समाज के लोग हैं, मेरे साथ अनुसूचित समाज के लोग हैं, मेरे साथ अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। 100% वोट अल्पसंख्यक समाज का आज गोपाल अग्निहोत्री के साथ है। समाज के लोग हैं, मेरे साथ अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, 100% वोट अल्पसंख्यक समाज का आज गोपाल अग्निहोत्री के साथ है। आपकी ताकत दोगुनी है, हमारे आपके बीच में कोई मतभेद हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए, ब्राह्मण समाज के सम्मान के लिए, ये सब मत जो आपके मन में अगर कोई विचार हो तो भूल जाइए। मैं आपसे कह रहा था, मेरी रणनीति थी, पांडे जी ने मुझसे कहा था कि आप बैठ जाइए, अगर मैं पहले बैठ गया होता तो आज परिस्थिति कुछ दूसरी होती, लेकिन एक दिन का समय है, अब आप कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। लोगों ने मन बना लिया है कि ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी को वोट देना है। एक एक मतदाता, लोग तरस रहे हैं। मैं दावे के साथ कि भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों का मत हमेशा मिलता रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों का अपमान किया। पोआना विधानसभा में 80,000 ब्राह्मण मतदाता है, पोआना नगर में 8,000 मतदाता है। कहने के लिए सचिन शर्मा, मंडल संगठन महामंत्री, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा। जैसा कि मैंने सुना है कि गंगाराम मिश्रा और गोपाल अग्निहोत्री को एक कराने में आपका बहुत महत्वपूर्ण सहयोग रहा, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? सदैव हम लोगों का लगातार पिछले एक हफ्ते से ये प्रयास है किसी तरीके से गंगाराम जी को और श्री गोपाल अग्निहोत्री जी को एक किया जाए। लगातार प्रयास करने के बावजूद जब बात नहीं बन रही थी तो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री एस के पांडे जी और ब्राह्मण समाज के सिरमौर श्री जयेश प्रसाद जी के अभूतपूर्व प्रयासों से आज वह समय आ गया है कि ये दोनों एक हुए हैं और ब्राह्मण समाज की निश्चित ही चेयरमैन जो है सर्व समाज के लिए श्री गोपाल अग्निहोत्री जी बनने जा रहे हैं। रिक्शे वाले खाने पर सब लोग मुहर लगाए, रिक्शे वाले खाने पर। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद से अध्यक्ष।
इस मत के उम्मीदवार गोपाल अग्निहोत्री को जिताइए। आप लोगों के बीच में भाई गोपाल अग्निहोत्री नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी आए हैं, आपसे सहयोग मांग। बड़े भाई गंगाराम मिश्र जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं यहाँ पर बैठे हुए सभी प्रबुद्धों जी भी हैं, मैं यहाँ पर सभी सम्मानित बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, नगर पालिका का चुनाव हमारे प्रत्याशी गोपाल अग्निहोत्री जी निश्चित रूप से जीते।